तीन पॉइंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, और जिस तरह की फोटोज आपके फोन में रखते हो या फिर जिस तरह की वीडियोस वगैरह शूट करते हो, आई मीन जिस तरह की फाइल्स फोन में सेव करके रखते हो, मुझे नहीं लगता ये ज्ञान अवॉइड करना ठीक है। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहला, फोन हैक हुआ है या फिर नहीं ये चेक करने के लिए सबसे पहला जो हम देखेंगे अपने फोन में चेंजेस, सबसे पहले हम जाएंगे फोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर। फोन की सेटिंग्स के अंदर आपको एक फीचर मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, जो कि गूगल प्रोवाइड करता है, मतलब कि गूगल की एंड्रॉयड वॉइस प्रोवाइड करता है, और ये सेटिंग आपको बाहर यानी कि सेटिंग्स में ही आपको शायद देखने के लिए मिल सकता है, या फिर सेटिंग्स के अंदर एक एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन होगा उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर आपके फोन में MIUI या फिर वगैरह वगैरह है तो। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली देखना होगा कि कोई ऐसा तो एप्लीकेशन नहीं है जो कि ये परमिशन लेके रखा है, आई मीन आपने नहीं दी है, या फिर अगर आपने गलती से दी है लेकिन इस ऐप के लिए, मतलब उस ऐप के लिए एक्सेसिबिलिटी परमिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है लेकिन आपसे बेकर ही ले चुका है, तो ये चीज़ सबसे पहला सिम्टम है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर एक ऐप है एसडीमेट, लेकिन मैंने इसको परमिशन नहीं दी है। हालांकि एसडीमेट एक सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है, लेकिन मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये वाला एप्लीकेशन मान लीजिए कि एक हैकिंग एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन जो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स है ना, इसको ऑन करके रखेगा, मतलब कि ये परमिशन लेके रखेगा आपके फ़ोन से। तो ये चीज़ आपको सबसे पहला देखना है अगर आपकी फ़ोन हैक हुआ है तो, मतलब अगर आपको लगता है तो देखना है कि एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर कोई भी एप्लीकेशन अलाउड है या फिर नहीं, जो कि आपको लगता है कि नहीं यार मैंने तो परमिशन नहीं दी है। दूसरा जो एक मेजर पॉइंट है आपको शायद फेस करना पड़ सकता है, डेटा यूजेस की, मतलब एक एरर्स वगैरह। कैसा एरर्स? मान लीजिए कि आपके फ़ोन में डेली 1.5 GB है, ठीक है, मतलब डेटा पैक 2 GB 3 GB या फिर 1.5 GB आपने भर के रखा है, लेकिन आपको लगता है कि भाई 1.5 GB मतलब इस टाइम पे ख़त्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। पहली बात तो आपको एक्सेसिबिलिटी देखना है, दूसरा पॉइंट आपको डेटा यूजेस चेक करना है कि आखिर कौन सा एप्लीकेशन कितना डेटा यूज़ कर रहा है बैकग्राउंड में या फिर फोरग्राउंड में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डेटा सेटिंग के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, किसी भी फ़ोन में आप लोग जो है देख सकते हो। तो अनयूजुअल डेटा यूजेस आपको हमेशा चेक करना चाहिए, आई मीन डेली नहीं, 2 या फिर 3 दिन के बाद बाद वैसे भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ट्रस्टेड एप्लीकेशन भी कभी कभी सो कॉल्ड ट्रस्टेड हो जाता है, मतलब कि आपके फ़ोन से डेटा को ले सकता है ट्रस्टेड एप्लीकेशन भी। तो आपको हर रोज़ नहीं, 2 या फिर 3 दिन के बाद बाद चेक करना चाहिए डेटा यूजेस। तीसरा पॉइंट, आपको कभी कभी फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ऑल ऐप्स यानी कि ऐप लिस्ट को देखना है कि क्या क्या ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई गलती से एक एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर घुस चुका है? अब ये काम कैसे होता है ये हम लास्ट में जानेंगे, लेकिन आपको चेक करना चाहिए कभी कभी, जैसे कि महीने में एक बार या फिर 2 बार आपको चेक करना चाहिए कि मेरे फ़ोन में अभी क्या क्या ऐप्स इंस्टॉल्ड है, और मैंने खुद से किन किन ऐप्स को इंस्टॉल्ड की है, या फिर कौन से वो एप्लीकेशन है जो कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है, जो कि आपने अनजाने में भी नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसी कोई एप्लीकेशन मैनेज ऐप्स या फिर ऐप लिस्ट के अंदर आप लोगों ने देखा है, तो उस ऐप को तुरंत ही आपको जो है अनइंस्टॉल कर देना है। जो चौथा मेजर पॉइंट है, वैसे ये 5 नहीं, मैंने ऐसे करके रखा है, ठीक है, तो ये मतलब 4 है, तो जो चौथा मेजर पॉइंट है वो है बैटरी ड्रेनिंग। वैसे तो देखिए गाइस, आजकल जो भी फोन्स हम लोग यूज़ करते हैं बैटरी इजीली डैमेज नहीं होता है, मिनिमम 2 या फिर 2.5 साल लगता है, लेकिन मान लीजिए कि आपके फ़ोन में जो है बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, जो नॉर्मली ड्रेन करता है उससे थोड़ा सा या फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि भाई कुछ गड़बड़ है, पीछे कोई एप्लीकेशन आपकी फ़ोन की बैटरी को या फिर रैम या फिर स्टोरेज को यूज़ कर रहा है बैकग्राउंड में या फिर नेटवर्क को। अब इन सारे इश्यूज़ को हम कैसे फिक्स करेंगे ये तो हम लास्ट में जानेंगे, लेकिन हाँ ये एक मेजर सिम्टम है। देखो अब जो 5 नंबर पॉइंट है ना, ये ऊपर के इनकी पहले की 4 पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनेट डेटा स्पीड, मतलब कि फ़ोन में जो आप लोगों ने डेटा मॉनिटर या फिर मतलब इंटरनेट स्पीड मॉनिटर लगा कर रखा है, जो कि स्टेटस बार में दिखता है कि फ़ोन की इंटरनेट स्पीड अब क्या है। मान लीजिए आप लोग जो है वीडियो देख रहे हो या फिर डाउनलोड्स वगैरह कर रहे हो, तो ऊपर स्टेटस बार में स्पीड वगैरह दिखाता है, अपलोड स्पीड या फिर डाउनलोड स्पीड या फिर कॉम्बाइंड स्पीड दिखाता है, जो स्पीड मॉनिटर ऊपर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट ब्रांड देता है फ़ोन में, ठीक है, अपने वॉइस के अंदर, तो उसको कभी कभी देखना है। मान लीजिए कि आप जो है वीडियो देख रहे हो YouTube में, ठीक है, तो YouTube तो भाई डेटा लेगा ही लेगा, लेकिन मान लीजिए कि फ़ोन आपकी स्टैंड बाई मोड में है, मान लीजिए
के पीछे कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है या फिर आप लोग जो है यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल कुछ एप्लीकेशन जैसे कि आपकी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मतलब कुछ ऐसे एप्लीकेशन, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में हो रहा है, मतलब यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी डेटा बहुत ही ज्यादा ले रहा है आपकी स्मार्टफोन और आपकी फोन जो है हीट हो रहा है इस वजह से। तो बिना वजह अगर आपके फोन में इंटरनेट स्पीड को ज्यादा देखते हो तो ये मानकर चलिए कि भाई फोन डेफिनेटली हैक हुआ है, मतलब इससे तो भाई गारंटी है कि फोन डेफिनेटली आपकी हैक हो चुका है, क्योंकि बिना वजह कोई भी एप्लीकेशन आपके फोन में स्टैंड बाई मोड अगर आपके फोन में है तो, मतलब नॉर्मली बेड में पड़ा है या फिर आप लोग जो है फोन की डिस्प्ले की ओर देख रहे हो, ठीक है, तो कोई भी एप्लीकेशन ऐसे डेटा को नहीं लेता है। एनीवे, तो ये जो 5 पॉइंट्स है ये सबसे ज्यादा यानी कि मेजर पॉइंट्स है अगर आपके फोन हैक हुआ है और नहीं ये चेक करने के लिए, ये 5 पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी कुछ छोटे पॉइंट्स है वो शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके फोन हैक हुआ है तो इन 5 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट आप लोग जो है आपके फोन में नोटिस करोगे, ठीक है। एंड यस गाइस, और एक पॉइंट है मैंने भूल गया बताना, शायद मुझे ही किसी ने हैक कर लिया, मतलब कोई लड़की नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट सिंगल है। तो 6 नंबर जो पॉइंट है ना ये भी थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपकी प्ले जो प्रोटेक्शन है ना, मतलब गूगल प्ले की जो प्रोटेक्शन है, मतलब जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट है वो आपको चेक करना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद प्ले प्रोटेक्ट आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इधर आप लोग देख सकते हैं, वहां पर जाने के बाद अगर ये ऑप्शंस डिसेबल्ड है तो कुछ मैलिशियस फाइल्स आपके फोन में इंस्टॉल या फिर डाउनलोड हो चुका है, जिस वजह से गूगल प्ले स्टोर की ये सारे ऑप्शंस डिसेबल्ड है। और इससे क्या होता है कि गूगल प्ले स्टोर आपको वार्न नहीं करेगा, यानी कि गूगल प्ले स्टोर को पता नहीं चलेगा और आपको भी पता नहीं चलेगा कि भाई फोन में कुछ गलत हो रहा है या फिर नहीं। तो ये 2 ऑप्शंस अगर डिसेबल्ड है तो मतलब फोन में गड़बड़ी है। अब देखो, मान लो कि फोन आपकी हैक हुआ है, शायद हो भी सकता है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको किसी भी एप्लीकेशन को, अनट्रस्टेड एप्लीकेशन को ऐप इंस्टॉलेशन की परमिशन नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए प्ले स्टोर में अगर आप लोग किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हो तो प्ले स्टोर ऑटोमेटिकली उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके फोन में इंस्टॉल कर देता है। तो प्ले स्टोर एक वेरीफाइड यानी कि ट्रस्टफुल सॉफ्टवेयर है जिससे कि आपकी डिवाइस में किसी भी तरह के नुकसान नहीं होगा। और क्रोम एप्लीकेशन से मान लीजिए आप लोगों ने एक APK फाइल को डाउनलोड की है तो उसको आप लोग जो है क्रोम एप्लीकेशन के जरिए इंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है क्रोम एप्लीकेशन को परमिशन देने की जरूरत है, मतलब क्रोम एप्लीकेशन को आपको जो है अलाउ करना होगा ताकि क्रोम आपके फोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। मान लीजिए कि आपके फोन में एक फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है तो उसको आपको जो है परमिशन देना होगा सबसे पहले, ताकि वो फाइल मैनेजर आपके फोन में किसी भी APK फाइल को इंस्टॉल कर सके। तो इसको हम कहते हैं ऐप इंस्टॉलेशन की परमिशन। तो किसी भी अनट्रस्टेड लगता है कि भाई इसको जरूरत नहीं है, मतलब इस ऐप के जरिए आप लोग जो है किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, फाइल मैनेजर के जरिए आप लोग जो है इंस्टॉल कर सकते हो उस ऐप को। तो वो जो पहला एप्लीकेशन है ना जिसकी मतलब जरूरत नहीं है उसको आप ना दो तो यही बेहतर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लगता है कि फोन खराब हो चुका है या फिर फोन आपकी मतलब हैक हो चुका है तो फोन को जो है फॉर्मेट कर लेना है। सबसे पहले आपको जो है किसी भी अलग डिवाइसेस में आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स को कॉपी करना है, देन फोन को फॉर्मेट करना है। और ये काम आपको जो है 4 या फिर 5 महीने के बाद वैसे भी करना है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आपको डेटा कनेक्शन को ऑफ रखना है जब आप लोग फोन को यूज नहीं करते हो। फिर तो किसी भी एप्लीकेशन आपके फोन से किसी भी फाइल को चुरा सकता है, चाहे वो व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, ठीक है। और भाई चौथा पॉइंट जो आपको करना है, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स को आपको नहीं देखना है, क्योंकि ये वैसे भी मतलब एक चूतिया काम है, क्योंकि गाइस होठ हिलाना मुझे नहीं लगता कि ये कुछ नॉलेजफुल चीज़ें हैं। रील्स वगैरह में मतलब पतली कमरिया या फिर मतलब ये सारी जो चीज़ें होता है, ठीक है, मतलब ये जो, ठीक है, तो ये काम, ये सारी चीज़ें देखना ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपकी माइंड हैक हो जाता है और आपकी डेटा भी हैक हो जाता है क्योंकि डेटा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो रील्स, यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील्स या फिर स्नैपचैट में जो भी हम देखते हैं वो सब नहीं देखना है, ठीक है। तो मतलब आप लोग जो है आपकी फ़ोन में सिक्योरिटी देख पाओगे, फिर आपके फ़ोन में भी और आपके बॉडी में भी। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना आपको ध्यान में रखना है, फिर देखना फोन हमेशा सिक्योर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अगर पसंद आया है ना तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल नया है तो सब्सक्राइब आपको जरूर कर देना है, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी, वैसे खुशी नहीं मतलब चैनल को सपोर्ट मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।